अरे वोट तो हमें ज्यादा मिली लेकिन सीटें थोड़ी सी कम रह गई। लोकसभा के हिसाब से देखें तो 17 में हम आगे, 12 में कांग्रेस आगे, लेकिन विधानसभा में 2-3 सीटें कम रह गई। लेकिन उसमें इतने इतरा रहे हैं कांग्रेस वाले, अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं जीते तो तुम भी नहीं हो। सरकार लंगड़ी बनी है, कब तक चले और कब टपक जाए इसका ठिकाना नहीं है। और सरकार भी अजब गजब सरकार है, इस सरकार को एक मुख्यमंत्री नहीं चला रहे, दो मुख्यमंत्री नहीं चला रहे, इस सरकार को 2.5 मुख्यमंत्री चला रहे हैं। एक मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं, पीछे से दूसरा खेल कर रहा है, और वह ऐसा खेल कर रहा है कि मुझे लगता है हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबे। अभी मुझे एक आवेदन मिला, नाबालिग बिटिया का अपहरण हुआ है, उनके पिता ने मुझे आवेदन दिया है, 16 साल 5 महीने की बेटी स्कूल में परीक्षा देने आई थी और रो रो के परेशान है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये सरेआम अपहरण हो रहे, केवल यहां नहीं हो रहे, आपने कल सतना में पढ़ा होगा एक मासूम बच्चे का अपहरण हुआ, फिरौती मांगी गई, बाद में उस मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। इसके पहले प्रियांश और श्रेयांश दो जुड़वा भाई, कैसे सुंदर बच्चे थे, आपने टेलीविजन पे देखा होगा मेरे बहनों और भाइयों। अपहरण होता है, सरेआम भरे बाजार, बस से उठा के ले जाए जाते हैं दोनों बच्चे, 3-3 दिन चित्रकूट में रहते हैं, पुलिस ढूंढ नहीं पाती, उत्तर प्रदेश ले जाते हैं, पुलिस पकड़ नहीं पाती, 20 लाख रुपए की फिरौती भी वसूल कर ली और अंततः बांध के जमुना मैया में फेंक दिया तो दोनों मासूमों की लाश मिली। ये क्या हो रहा है मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर रोज 6 हत्याएं हो रही है, और इसी राजगढ़ जिले की धरती पर गणतंत्र दिवस जैसे त्योहार पर आप सब जानते हैं खुजनेर में हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, बेटों के साथ बेटियां भी बड़ी संख्या में मौजूद थी, अचानक कुछ गुंडे आते हैं और तलवारें घुमाते हैं, कुर्सियां काट डाली जाती है, बेटियों पे हमला किया जाता है, और ये अंधी सरकार सोती रहती है। धिक्कार इस सरकार को मेरे बहनों भाइयों, धिक्कार इस सरकार।